सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। तो आज हमारी ट्रेन है कुन्नूर की 2 बजे की, तो अभी हम लोग आए हुए हैं वहाँ और देखते हैं कैसा होता है हमारा सफ़र। और आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। रही पार्किंग और ये रहा स्टेशन, कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर से। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसा लगता है अंदर से स्टेशन। शायद यहाँ की फर्स्ट क्लास की टिकट 400 रुपये है अप्रॉक्स, मेरे को पता नहीं, अभी मैं देख कर आपको सारा डिटेल दूंगा। सो गाइज, ये रहा आपका बुकिंग ऑफिस, यहाँ पे आप अपना टिकट बुक करवा सकते हैं और यहाँ पे टाइमिंग दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अब सफ़र कर सकते हैं। और ये बाकी डिटेल्स है प्राइस से रिलेटेड कि कितने से कितने बजे तक टाइमिंग और कौन कौन सी ट्रेनें हैं। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है अपना रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव ऊटी और एक ट्रेन है, और यहाँ पे पब्लिक। तो ये हमारी ट्रेन है जो कि एकदम टाइम पर है। अगर आप ऊटी आ रहे हैं और आप टॉय ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं कुन्नूर के लिए, तो आप एकदम समय पर निकल जाइए, क्योंकि ये ट्रेन ज़्यादा रुकती नहीं है, 10 मिनट ही स्टॉपेज होता है यहाँ पे, और ये एकदम टाइम पर है। और अगर आप आ रहे हैं तो इसकी प्री बुकिंग कम से कम एक वीक पहले कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग आए थे तो हम लोग 3-4 दिन पहले किए थे, जो कि नॉर्मल बोगी थी उसका टिकट सारा बुक हो गया था। और फिर हमने जो कि एक VIP था F1, उसमें बुक कराया, जिसका कॉस्ट हमें काफ़ी महंगा पड़ा एज अ नॉर्मल बोगी के कंपैरिजन। तो गाइस, ट्रेन आ चुकी है और अब हम इस पर सफ़र करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो F2 हम लोग का सीट नंबर है, ये बर्थ हमें मिला है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सारे लोग, सारे फैमिली मेम्बर्स। और ये बहुत शरारत करती लड़की। गाइस, अब हमारा सफर शुरू होता है और अभी ये हमारा आते वक्त स्टीम इंजन होगा, लेकिन अभी हम लोग डीजल इंजन से जा रहे हैं। तो ये नया स्टेशन है, दूसरा स्टेशन, यहाँ काफ़ी कम भीड़ है और वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी, और ये काफ़ी सुंदर देखने में यहाँ से, क्या ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक मिनट स्टेशन पर रुकने के बाद गाड़ी फिर से चल दी, बस एक मिनट ही गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई थी। काफी डेंजरस लग रहा है देखने पर। तो ये दूसरा स्टॉप है, यहाँ भी शायद ट्रेन एक मिनट ही रुके, ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा स्टॉपेज नहीं और ट्रेन काफ़ी कम रुक रही है, पर ये 1 घंटा 5 मिनट लगा 19 किलोमीटर के ट्रैवल के लिए। और यहाँ सफाई काफ़ी है और बारिश हुई है, तो इससे नज़ारे और खूबसूरत देखने में लगे रहे। फिर से ट्रेन नहीं रुकी और चल पड़ी, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं चढ़ने के लिए। आ गए अब हम अपने मंजिल के पास कुन्नूर, और अब यहीं पे स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकेगी। वेरी ब्यूटीफुल व्यूज। तो हमारी टेम्पो ट्रेवलर आ चुकी है और अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, तो रिव्यू लेंगे कि कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस।
मजा आया कि नहीं सभी? तो कैसा लगा टॉय ट्रेन में? और आपको कैसा लगा? ठीक ही लगा, 3.5 ऑफ 5। चलिए तो ये थे रिव्यू हमारे टॉय ट्रेन। सभी लोग बेंगलोर की तरफ वापस और काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं।